मेरा नाम इल्माना अब्दुल मोइज़ है। मेरा ताल्लुक सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से है। आज का मौजू है कोरोना वायरस का आम इंसान पर, आम आदमी पर पड़ने वाले नफसियाती असरात और इनका हल। कोरोना वायरस आजकल टॉप ट्रेंड पे है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड पे है, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या न्यूज़पेपर उठाएं, व्हाट्सएप उठाएं, सोशल मीडिया उठाएं, हर जगह टॉप ट्रेंड कर रहा है। हर कोई इसकी वजह से परेशान है। इस परेशानी के से हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि हमारी जो है अंदर फेयर, उसके नेगेटिव असरात जो है ना हमारी नफसियात पे या हमारे जिस्म पे पड़ रहे हैं। इतना खौफ जो आपको फर्जी दुनिया में ले जाए और आपको रूटीन के कामों से भी रोक दे, ये नफसियाती मसाइल को जन्म देता है। ये हालत आजकल हमारे माशरे में यही हालत हो रही है। ये आप जो भी है बुनियादी प्रिकॉशंस हैं जो कि हर जगह पे आपको टीवी में और व्हाट्सएप पे हर जगह आपको बताए जा रहे हैं, आप वो बिल्कुल लें, उनसे बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं है। आप ये लें, जो कह रहे हैं मुंह ढांपना, चेहरे को अच्छे से ढांपें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाएं, हाथ ना मिलाएं लोगों से, जब ये सब आप कर चुके हों तो फिर खुदारा अल्लाह पर भी छोड़ दें। अपनी चैलेंजेस, क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, ये सब आपके ईमान को पुख्ता करने के लिए भी आते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि ये सिर्फ हमारे गुनाहों की सज़ा के तौर पर ही हमें मिल रहे हैं। अपनी जब एहतियात पूरी कर लें फिर पुरसकून हो जाए। अपनी ज़िंदगी पर इस चीज़ को हावी ना होने दें। इससे क्या होगा? इससे आपके रिलेशनशिप से भी असर पड़ेगा। आप खाना पीना छोड़ देंगे, बात करना छोड़ देंगे, हर चीज़ में वहम करने लग जाएंगे। सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ से किसकी चीज़ का शिकार हो रहे हैं? डिप्रेशन का, एंजाइटी का, पैनिक अटैक्स का, इन सब चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। अपने आप को और अपने घर वालों को इस चीज़ से महफूज रखें। आपको इस ज़्यादातर लोगों को किस चीज़ का खौफ है? अपने घर वालों की अपनी मौत का खौफ, मईशत का खौफ, कारोबार का खौफ, नौकरी का खौफ, पैसों और दीगर अशिया के ख़त्म हो जाने का खौफ है। ये खौफ जिसको हम फेयर कहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे इम्यून सिस्टम में, जिसको हम कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, उस पर असर होता है। इससे कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर पड़ जाती है और हम बाकी लोगों के मुकाबले में जल्दी बीमार होते हैं। इस सिलसिले में हम क्या इकदाम ले सकते हैं? इसमें पहली और वाहिद चीज़, अपने आप को पॉजिटिव तरीके से मसरूफ करना है। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से निकल कर इस बाहर की दुनिया में अपने आप को मसरूफ करें। एहतियाती तदाबीर के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना सीखें। अपने बच्चों को टाइम दें, हेल्दी एक्टिविटी में, एक्सरसाइज में, और इस तरीके से फहरिस्त बना लें जिसमें हम अच्छे हेल्दी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकें। बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में उनका साथ दें। आगे अभी हमें नहीं पता कि कब तक लॉकडाउन है। जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाएंगे, आप उनको हेल्प करें, आप उनको आगे उनकी तालीम में साथ दें उनका। माँ बाप की सबसे ज़्यादा तवज्जो बच्चों को ज़रूरत होती है। 2% हमारे पाकिस्तान में ही 2% लोग बच्चे, पाँच साल के बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। इनके अपने साथ इनको कामों में लगाएं। इसके इन सब चीज़ों के अलावा जहन अच्छा होगा, हेल्दी होगा, तो आप जिस्मानी बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। उम्मीद है कि हम सब जल्द मिलकर इस कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ जंग में कामयाब हो जाएंगे। अपने आप को पूरी उम्मीद रखें और दुआ करें, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है। शुक्रिया।